कोरोना के नाम पे आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने नफरत फैलाने के बजाय आवाम की सोची होती तो आज ये हाल नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं गोहा खान, खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक लगातार अपनी बेबाकी बयानबाजी के लिए चर्चाओं के केंद्र बिंदु बने रहने वाले कांग्रेस विधायक आर्य मसूद की। आर्य मसूद ने कोरोना काल को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। आर्य मसूद यहीं नहीं रुके, आर्य मसूद ने यहां तक कहा है कि अगर प्रदेश में कमलनाथ की सरकार होती, उनकी कांग्रेस की सरकार होती, तो वे हर व्यक्ति के खाते में 15,000 रुपये डलवाते। आर्य मसूद द्वारा लगातार अपनी सरकार को भी आड़े हाथों लिया जाता रहा है। हमको CA NRC वाला समय भी याद है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और आर्य मसूद द्वारा उस समय भी प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को सलाह दी गई थी कि वे विधानसभा में इस बात की घोषणा करें कि मध्य प्रदेश में CAA और NRC लागू नहीं होगा। आर्य मसूद द्वारा लगातार अपनी बेबाक बयानबाजी से नेताओं को चिताया जाता रहा है, फिर वे चाहे उनकी अपनी सरकार हो या गैर कांग्रेस सरकार। सरकारों से कि कोरोना का रोना बहुत हो गया, कोरोना के नाम पे आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। शर्म करना चाहिए केंद्र सरकार को, शर्म करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को कि आपने वो काम करा। दुनिया की बात करते हो, दुनिया के मुल्कों में जाके देख लो, दुनिया के हर मुल्क ने अपने एक एक नागरिक को पैसा दिया है। वाहिद एक हिंदुस्तान है जिसने इस कोरोना में भी जनता से पैसा वसूला है, ऐसा धिक्कार ऐसी सरकार को। ये एक अकेला वाहिद मुल्क है जिसने पब्लिक से पैसा लिया। आप नाकाम रहे, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, अस्पतालों के अंदर आज मरीज तड़प रहे हैं। आज मरीजों की यह हालत है कि एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को हटाना पड़ रहा है अगर शिफ्ट करना है। कोई सरकार का ध्यान नहीं है। मैं इसीलिए आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब एहत कर लें कि हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। हमें जनता को बताना है कि आवाम को ये मैसेज देना है कि आज ये जो परेशानियां हैं, अगर इन लोगों ने नफरत फैलाने के बजाय आवाम की सोची होती तो आज ये हाल नहीं होता। अब आवाम को चाहिए कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए, सोशल मीडिया पे उठाओ, सोशल मीडिया पे चलाओ। मुझे मालूम है कि मीडिया हमारा साथ नहीं देता, मीडिया सरकार के खिलाफ होने वाली कमियों को नहीं बताता। मुझे मालूम है रोज भोपाल में क्या हो रहा है, मैं रोज देख रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के हालात देख रहा हूँ, क्या हाल मचा हुआ है। और आज आपके भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, कमलनाथ की सरकार होती, तो यकीन जानिए 15,000 एक एक आदमी के खाते में आरिफ मसूद डलवाता, नहीं तो ये सरकार चलने नहीं देता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सबको आज के दिन एक अहम करना चाहिए, हम सबको एक मिशन बनाना चाहिए कि इन सब के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। हम मुत्तहिद होंगे तो सदा बुलंद होगा। देखिए आपने एक खबर, अभी तो समय बताएगा कि कोरोना काल को लेकर जो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है, वे क्या केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या वास्तव में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी कांग्रेस इस संदर्भ में कोई कदम उठाएगी। एक खास तौर पर आपसे अपील कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वे नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस कर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको ये खबर कैसी लगी उस संदर्भ में कमेंट बॉक्स में आप अवश्य प्रतिक्रिया दें। आपका कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया हमें निष्पक्ष एवं बेबाक पत्रकारिता करने के लिए उत्साह प्रदान करती है। सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ खबर लाइव।